चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था, और जो भी हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। परसों जो है आप लोगों का जो है आंसर किया जाएगा, 2 तारीख को, सॉरी। तो 2 तारीख का आंसर किया आने के बाद आप लोग जो है उसमें जो भी आपत्ति होंगी आप लोग कर सकते हैं, बाकी मैं हूँ ही हेल्प करने के लिए। साक्ष कोई प्रूफ मांगेगा तो जो है आपको बता दिया जाएगा कहाँ से क्या प्रूफ। आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इससे TRE 1 और TRE 2 में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था, TRE 3 में नहीं पूछा गया था। तो नहीं पूछा गया तो जरूरी नहीं है कि नहीं पूछेगा, क्योंकि TRE 1 TRE 2 में पूछा गया था, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ प्राइज इलास्टिसिटी। प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जो भी हमारे साथ चैनल से जुड़ना चाहते हैं, क्लास लाइव क्लास लेना चाहते हैं, वो लोग IOC Super 50 आप डाउनलोड कर सकते हैं। IOC Super 50 आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं, या 9717717844। कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात जब भी बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे होता है मांग की, सॉरी, कीमत लोच के प्रकार। कीमत लोच के प्रकार, तो ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक है। तो प्राइस, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक इन इलास्टिक, और यूनिटरी इलास्टिक। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, और इकाई, सॉरी, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम। तो 5 प्रकार होते हैं, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं होगी, आप आराम से समझ सकते हैं। पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, ठीक है ना, पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक। देखिए, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है, इसका डायग्राम देख लेते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस सेम है, ये कीमत है, कीमत सेम है और ये मांग है, डिमांड होगी, ठीक है ना। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़ सकती है और कम हो सकती है। प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़े या कम हो, उसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। आप देखिए, ईडी का फॉर्मूला आप जान रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, ये आप जान रहे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, अच्छी तरह जान रहे हैं आप। अब परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़े या कम हो। इसका मतलब यह है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है 0%, और डिमांड में चेंज आ रहा है, मान लेते हैं 10%, है ना, ये 10% बढ़ रहा है या 10% कम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या आ जाएगा, जब इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा ईडी आ जाएगा इन्फिनिटी। अगर आपसे पूछे
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, तो हम लिखेंगे कीमत में परिवर्तन के बिना यदि मांग में वृद्धि या कमी हो तो उसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक पूर्णतः लोचदार। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज नो चेंज इन क्वांटिटी, देर इज नो चेंज इन प्राइस, इवन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। यानी कीमत स्थिर रहने पर भी, यानी कीमत समान रहने पर भी यदि मांग में वृद्धि हो या कमी हो उसे क्या बोलेंगे, पूर्णतः बेरोजगार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णतः बेरोजगार। और आपको पता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ARMR ऐसे ही बनता है, और AR को ही मांग वक्र बोलते हैं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में मांग की लोच कैसा बनता है, ऐसा ही होता है। ध्यान लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा बनता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा बनता है, कॉम्पिटिशन में ऐसा बनता है पूर्णतः लोचदार, सॉरी पूर्ण प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा बनता है, ठीक है। और आप जान रहे होंगे पूर्ण प्रतियोगिता में कैसा बनता है, परफेक्टली इलास्टिक बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि कीमत स्थिर है। तो यानी कीमत स्थिर रहने पर यदि मांग में वृद्धि या कमी हो उसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल बता दें तो कौन कौन सी चीजों में ऐसा होता है, तो कौन कौन सी चीजों में ऐसा होता है आप जान रहे होंगे, जो भी नेसेसरी गुड्स होती है, आवश्यक वस्तुएं जितनी भी होंगी, चाहे वो नमक हो, पानी हो, जो भी चीजें होती हैं, एग्जाम्पल फॉर, है ना, लाइक सॉल्ट, नमक वगैरह, खाने की चीजें, पहनने की चीजें, अनुराग जी समझ में आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक कब होगा, जब प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़े या कम हो तो उसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक पूर्णतः लोचदार। और ये किस में होता है, ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। तो ये इसका पहला पार्ट है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आप IOC Super 50 ऐप का डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये पहला पॉइंट है, पांच प्रकार होते हैं, एक एक चीज को आराम से समझेंगे, क्योंकि ये चीजें जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा आप लोगों को परेशान कर सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसे बोलेंगे पूर्णतः बेलोजदार, बेलोजदार पूर्णतः बेरोजगार मांग। पूर्णतः बेरोजगार मांग परफेक्टली क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक। देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाए, ये ठीक है, ये यहाँ से नहीं होगा, ये एग्जाम्पल यहाँ पे का नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये इस तरह से नहीं होगा। कीमत समान है फिर भी मांग बढ़े या कम, ठीक है ना। तो वो आपका जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं वो अन्य बातों के कारण होता है, ठीक है। पूर्णतः ये नमक इसमें अप्लाई नहीं हो सकता, कीमत सेम है फिर भी डिमांड बढ़े या कम, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। डिमांड तो उतनी ही रहनी है, डिमांड चेंज नहीं होता है मिस्त्री गुड्स का, तो इसका डायग्राम ये नहीं लिखेंगे, बाकी सब ठीक है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है, वो ठीक। आगे बढ़ते नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पे देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक पे ध्यान दीजिएगा कि प्राइस बढ़े या कम हो डिमांड पे कोई चेंज नहीं होगा, ये यहाँ होगा, नमक वाला वो यहाँ आ जाएगा, नेसेसरी गुड्स यहाँ आ जाएगा, प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गलती से लिख दिया है, भाई ह्यूमन बींग है तो थोड़ा सा गलती तो होती होती है, आप जान रहे हैं हम भी इंसान हैं, ठीक है। ये डिमांड क्लियर है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है प्राइस बढ़े या कम हो डिमांड पे कोई चेंज नहीं होगा, तो नेसेसरी गुड्स में यहाँ होता है, ठीक है, वहां पे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ईडी का फॉर्मूला आप जान रहे हैं क्या होगा, ईडी का फॉर्मूला होगा
मांग में प्रतिशत परिवर्तन, बार बार मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन आप जानते हैं, अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना, जान रहे हैं आप। अब देखिए, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है डिमांड कभी चेंज होगा ही नहीं, डिमांड कभी चेंज होगा ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स यहाँ पे आपका आ जाएगा, नेसेसरी गुड्स आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तु, ठीक है ना, नेसेसरी गुड्स आ जाएगा, जैसे नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, नमक हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है, मान लेते हैं 10% हो रहा है, यानी कीमत बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, 10% क्या हो रहा है, कम भी हो रहा है, ठीक है ना, मांग में कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं हो रहा, मांग में 0% हो रहा है, 0%, तो क्या हो जाएगा, ईडी हमारा 0 हो जाएगा, ईडी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये ध्यान देना। यानी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप भी मांग पे यदि कोई प्रभाव ना पड़े तो उसे बोलेंगे पूर्णतः बेरोजगार, परफेक्टली इलास्टिक। देखिए नमक वगैरह में क्या था, वही था, कीमत बढ़े या कम हो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये चीजें हैं, ठीक है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आवश्यक वस्तु में होगी। ये चीजें जो है मैंने यहाँ गलती से लिख दिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन, दो दो पार्ट हो गए, तीसरा होता है आपका, तीसरा जो है वो है थर्ड यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसको समझने के लिए आप सिंपल सा तरीका है इसका, कि आप अगर इसका फॉर्मूला आपको आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं, इसका अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हैं, इकाई के बराबर, इकाई के बराबर मान के लो, इकाई के बराबर मान के लो, ठीक है, इकाई के बराबर। अब देखिए ईडी है, ईडी का फॉर्मूला इक्वल्स टू 1 कब आएगा, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगी, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अगर इक्वल है किसके, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के, प्रतिशत परिवर्तन के, तो इकाई के बराबर आएगा। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं, है ना, देख लेते हैं, ईडी का फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं, क्या होगा, वही मांग में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन, यानी ये आ जाएगा ईडी का, आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या है ईडी इक्वल्स टू 1। अब सोचिए कोई भी चीज एक के बराबर कब आएगा, जब ऊपर वाला मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो, बराबर होगी, ईडी कितना आ जाएगा, ईडी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी जितना मांग में चेंज हो रहा है उतना ही कीमत में भी चेंज हो रहा है, इसको ध्यान रखना है, ईडी हमारा इक्वल्स टू 1 होगा, इकाई के बराबर। इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, इसका डायग्राम भी आराम से देखिए, मान लेते हैं कि ये चीज इतना खरीदते थे 5 पे 10, ये मान लेते हैं ये प्राइस है और ये क्वांटिटी। अब क्या कह रहा है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होना चाहिए, मान लेते हैं 10% कीमत कम हुई,
कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक होता है। तो 10% कीमत बढ़ी तो मांग भी क्या होगी? 10% ही बढ़ जाएगी। 10% ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और मांग कीमत 10% बढ़ी तो मांग भी 10% कम हो जाएगी। इसका ध्यान रखना है, ठीक है? इसका ध्यान रखना है। यानी 10% कीमत बढ़ी तो मांग 10% क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कीमत 10% कम हुई तो मांग 10% क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना। ये डायग्राम कैसे बन जाएगा? ये डायग्राम कुछ कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है? ये इसके तीसरा प्रकार था, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चौथा आ जाएगा। चौथा आएगा एक से अधिक, इकाई से अधिक। फोर्थ आएगा आपका इकाई से अधिक, मोर देन यूनिटी इलास्टिक, मोर देन यूनिटी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक इसे बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना? यानी सापेक्षता लोचदार मांग बोलते हैं इसको। इकाई से अधिक बोलेंगे, इकाई से अधिक लोच या सापेक्षता लोचदार मांग। ठीक है, अब प्रैक्टिकली हम सोचें तो ऊपर थ्योरी हम लिख लेंगे। देखिए, ईडी एक से ज्यादा कब आएगा? जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा हो और कीमत में इससे कम हो। यानी कुछ भी ले सकते हैं, 8% ले लेते हैं, 5% ले लेते हैं। ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.25। इसका मतलब ये क्लियर है कि ईडी हमारा कितना आ जाएगा? ईडी हमारा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ईडी हमारा क्या जाएगा? ग्रेटर देन 1, एक से ये आ जाएगा इक्कीस से अधिक, ठीक है? यानी कहने का मतलब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा हो, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन अगर ज्यादा हो किससे? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे इकाई से अधिक, ठीक है? ज्यादा हो यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो होगी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। चेंज इन प्राइस, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आप देख सकते हैं, आप ये आ जाएगा। यानी अगर ईडी का फॉर्मूला भी अगर आप लिख के करेंगे, ईडी का फॉर्मूला भी अगर आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कोई दिक्कत? तो डायग्राम देख लेते हैं कैसा बना। ठीक है, अब ये हमारा मान लेते हैं ये प्राइस और क्वांटिटी। क्या कह रहे हैं? मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा, कीमत में कम। मान लेते हैं कीमत में 8% कमी हुई, 8% कमी हुई तो मांग में 10% वृद्धि हो जाएगी, ये प्राइस होगा। इसी तरह 8% मान लीजिए मांग कम, अब समझ लीजिएगा, इतना तो समझ ही सकते हैं आप, उल्टा हो जाएगा, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है कि अगर मोर देन यानी रिलेटिवली सापेक्षता लोचदार का मतलब होता है कि अगर आपका डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है किससे? प्राइस में चेंज होने से, ठीक है? आपको एक एक कंसेप्ट आराम से करवाया जाएगा, फिर एमसीक्यू करेंगे। सीधा एमसीक्यू करने से आप लोगों का नहीं होगा, ठीक है?
जब तक एक ही चीज नहीं कीजिएगा तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी शाम को 7 बजे आप लोग लाइव जुड़ जाया कीजिए, शाम को 7 बजे लाइव जुड़ जाया कीजिए। कई हाँ 2-3 दिन से थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से नहीं ले पा रहा हूँ, तो शाम को 7 बजे लाइव क्लास लेंगे। इसमें 11th 12th का जो है समष्टि अर्थशास्त्र और स्टेटिस्टिक करवा रहा हूँ, यहाँ पे माइक्रो में करवा ही रहा हूँ, ठीक है, इंडियन इको। तो 11th 12th का आराम से हो जाएगा। फिर जैसे ही थोड़ा सा टाइम निकलेगा फिर हम लोग टैक्सेशन करेंगे, मॉडल्स करेंगे, बहुत सारी चीजें करनी है आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते, क्लियर है? आगे आइए। तो कितने हो गए इसके? 4 प्रकार हो गए। नेक्स्ट होता है लेस देन यूनिट इलास्टिक, 5वां है इसका, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है ना? इसे क्या बोलेंगे? सापेक्षित इकाई से सापेक्षित बेलोसदार बोलेंगे, सापेक्षित बेलोसदार बोलेंगे, ठीक है? तो ठीक है, सापेक्षता बेरोजगारी इसे बोले, रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड हो जाए, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, सापेक्षित जो होगा ये क्या होगा? इकाई से कम, आप इसे बोलेंगे इकाई से कम या सापेक्षता बेलोचदार, बेलोचदार मान, सापेक्षता बेलोचदार मान, ठीक है? ध्यान समझिएगा, जब भी एक से कम होता है तो इकाई से कम तो समझ ही रहे हैं, सापेक्षता बेलोजदार का मतलब कंपेरेटिवली जो है कम है। देखिए एक से कम कब होगा, हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं तो ऊपर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक से कम तब होगा जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होगी और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा होगी, ऐसा मान लेते हैं या ऐसा मान लेते हैं, है ना? तो ये हमारा ईडी कितना आ जाएगा? ईडी हमारा जो आएगा वो आएगा 0.5, यानी ईडी हमारा कितना आ जाएगा? एक से कम, क्या जाएगा? एक से कम, इसको ध्यान देना, ध्यान दीजिए। तो हम लिखेंगे जब कीमत मांग में प्रतिशत, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, या हम यहां चलिए मांग बोल लेते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन प्रतिशत मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम है, किससे कम है? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से, प्रतिशत परिवर्तन से, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो होगी, क्वांटिटी डिमांड कम है किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, परसेंटेज ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, क्लियर है? यानी ईडी का फॉर्मूला जो होगा आप जान रहे हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है? ये चीज है, ठीक है ना? आप देख लीजिएगा, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो होगी, इंग्लिश में भी लिखना पड़ता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी हैं, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो होगा, ठीक
तो ये चीजें, आइए आप देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम कुछ इस तरह से बने, ये वाई है, ये जीरो है, ये एक्स, ठीक है ना, ये वाई है और जीरो है, ये एक्स, शिखा रानी जी वेलकम है आप लोग आपका, ठीक है, आज पहली क्लास है इनकी। नेक्स्ट देखिए, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है, मान लेते हैं प्राइस में ज्यादा चेंज हो गया, डिमांड में कम चेंज हो गया, प्राइस में 20% का चेंज है और डिमांड में 10% का चेंज, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बने, डायग्राम कुछ इस तरह से बने। कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक बताइए। तो ये चीजें हैं, ठीक है, जो भी TRE 4 में जो है की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज करना है, बेसिक से करना है। ठीक है, और एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में जाके आपको करना है, तब जाके आप लोगों का जो है डाउट क्लियर होगा। यह तक क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रकार हो जाएंगे, ठीक है, ये टाइप्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच के प्रकार, के प्रकार, ठीक है। इसमें एक एक चीज ध्यान देना है, तीन प्रकार होते हैं इसके, तीन विधियां होती है, तीन मेथड होता है। पहला होता है परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है ना, प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि। ठीक है, दूसरा है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि, और तीसरा है आपका ज्योमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय विधि, ठीक है ना। तीन मेथड होते हैं। परसेंटेज मेथड तो आपने अभी कर ही लिया है, जिसमें ईडी का फॉर्मूला होता है, आप जान रहे हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, अभी कितनी बार हमने किया है ये चीज, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, याद होगा आपको, है ना, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। और यही फॉर्मूला आगे जाकर बन जाता है, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है, ये बन जाता है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए, कुल व्यय विधि में मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, तो मैं लाइन खींच देता हूँ। कुल व्यय विधि में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, एक होता है ईडी इक्वल्स टू वन, ईडी लेस देन वन
और ईडी ग्रेटर ठीक है। इस चीज को समझने के लिए सीधा सा लाइन है कि अगर कीमत बढ़े या कम हो, कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय स्थिर रहे, कुल व्यय स्थिर रहे, कॉन्स्टेंट रहे, स्थिर रहे, कॉन्स्टेंट हो, तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी प्राइस बढ़े या कम हो, कुल व्यय सेम है, तो आपका ईडी इक्वल्स टू 1 होगा। यदि कीमत और कुल व्यय में धनात्मक संबंध हो, कीमत भी बढ़े कुल व्यय भी बढ़े, कुल व्यय कीमत कम हो कुल व्यय कम हो, धनात्मक संबंध हो, तो ईडी लेस देन 1 होगा। ईडी ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब कीमत बढ़े और आपका कुल व्यय कम हो जाए, और कीमत कम हो कुल व्यय बढ़ जाए, तो इसमें क्या होगा? जब ऋणात्मक संबंध होगा तो 1 से अधिक होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? शिखा जी और अनुराग आनंद जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? TRE 4 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल टाइम अपना जो है तैयारी करते रहें, एक एक चीज एनसीईआरटी को लेके चले, और बाकी एमसी के लिए जो है अभी इस साल जो है 20 सेट, मतलब इस बार 20 सेट में बनाऊंगा, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? ज्यामितीय विधि जो है, ज्योमेट्री मेथड, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कल करेंगे, कल क्लास मैं हो सकता तो लूंगा। ठीक है, बाकी जो भी TRE 4 में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो IOC Super 50 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर दिया था, उस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। तो मैं PDF भेज देता हूँ, है ना? इसका मैं PDF भेज देता हूँ आपका यूट्यूब चैनल, क्या बोलते हैं, हाँ, टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।